तो जय हिंद धूल, कैसे आप सब दोस्त? मैं उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, फाइनली जो भाई आपके लिए वीडियो आ चुकी है ITPNML ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग, बहुत सारे मुझे कैंडिडेट्स कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा सर फिजिकल टेस्ट कब होगा, और सर क्या सर इसमें सर वेट भी वेट का सर मापन होता है नहीं होता है। तो भाई देखिए भाई, वेट का मापन आपका इसमें होता है गाइज, ध्यान दीजिएगा भाई, वेट इसमें आपका मापते हैं। और क्या है यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा वेट करें। तो ये भाई आज ही मतलब कि भाई मेरे चैनल यूट्यूब पे कमेंट्स आया है एक बंदे का, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। बहुत सारे बोलते हैं कि सर वेट में बाहर नहीं होते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, वेट में आप बाहर हो सकते हो इफ अगर आपका वेट मेंटेन नहीं है। ठीक है, आपका वेट है भाई मेंटेन होना चाहिए। आपको मैसेज दिखा देता हूँ भाई का, आज ही कमेंट आया है मेरे पास। देखिए ये जो कमेंट आप देख पा रहे हो, ये वाला देखिए, ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा इसको। सर पिछली बार वेट में बाहर कर दिया है, कुछ उपाय बताइए वेट बढ़ाने का। मतलब जिस भाई का वेट है बहुत ही कम होगा, मतलब 50 से नीचे इसका वेट होगा जहाँ तक मुझे पता है, इसका 49 होगा, 47, 46 होगा। तो आपका ऐसे वेट नहीं होना चाहिए गाइज, आपका जो वेट है आपका 50+ होना चाहिए, तो ही आप इस भर्ती में शामिल होके एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो वहाँ पे, एक अच्छी आप फिजिकल टेस्ट दे सकते हो और इस जॉब में हासिल हो सकते हो। देन फिजिकल टेस्ट एंड पेपर के बाद जो लिस्ट बनती है उसमें आपका नाम आ सकता है, अगर आप पढ़ते हो, अगर आप फिजिकली फिट हो, अगर आपका हाइट चेस्ट ओके है और आपका वेट भी मेंटेन है। अब ऐसा नहीं है आप खाते रहो, या ऐसा भी नहीं आप बिल्कुल मत खाओ भाई, तो आपको खाने पीने को और आपको ज्यादा भी खाना है और कम भी खाना है। तो मतलब मैन यही है कि आपको मेंटेन करके चलना है ना, आपका जो वेट है 50 से ऊपर होना चाहिए, और 50 से नीचे अगर आपका वेट है तो भाई आपको भर्ती से डिस्क्वालिफाइड कर देंगे वो। तो आपका जो वेट है 50 से ऊपर होना चाहिए तो आप सिलेक्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। 70+ है तो दिक्कत आ सकती है, अगर आपकी हाइट कम है और आपका वेट 80+ कर रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो वेट को आप 50 और 70 के बीच में रखें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। जिसकी भी हाइट 5 फुट 7 इंच है, आपकी हाइट कितनी है प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, उसके रिगार्डिंग फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई आपका जो वेट है किस हिसाब से होना चाहिए। ओके, तो गाइस थैंक यू सो मच, मैं उम्मीद करूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये छोटा सा वीडियो आप सबके वेट के रिगार्डिंग था। बहुत सारे कमेंट करते हैं कि सर हमारा सर वेट इसमें मापते नहीं है, सर वेट सर चल जाता है, ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई। वेट के भी आपके जो नंबर है कटते हैं, आपको फिजिकल टेस्ट से क्वालिफाइड से मतलब क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे आप, अगर आपका वेट ज्यादा है। वेट कम है तो ठीक है, इतना भी कम नहीं कि 50 से नीचे ही हो जाए, है ना। थोड़ा सा मेंटेन करके चलना भाई, थोड़ा मेंटेन करके चलोगे थोड़ा मेंटेनेंस आपका होना चाहिए वेट का। तो गाइस थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यार भाई 28,000 अपने सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सो प्लीज थोड़ा फास्ट थोड़ा सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें गाइस। अगर आप सपोर्ट करते हो तो भाई मैं देखता हूँ कि हाँ मेरे भाई बंधु सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भाई मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज यार सपोर्ट करो, सहयोग करो, आप सबके सहयोग से ही मेरा चैनल चलता है। सो सब्सक्राइब ऑल एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।